गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने सेक्टर प्रभारियों के साथ की गोपनीय बैठक। गाजीपुर आम आदमी पार्टी विधानसभा सैदपुर में उत्तर प्रदेश प्रभारी अभिनव राय ने बूथ सेक्टरों का गोपनीय बैठक लिया। अभिनव ने पत्रकारों से वार्ता में हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनते ही बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त रहेगा। इसी मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश के 403 विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारा है और सभी विधानसभाओं सब जीत हासिल करो, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एवं सैदपुर विधानसभा प्रत्याशी राकेश कुमार, प्रदेश प्रभारी श्री अभिनव राय, सेंट्रल टीम कोऑर्डिनेटर अमित सिंह यादव, राजू यादव, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, पूर्व लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर जेपी भारतीय, प्रदेश उपाध्यक्ष व चिकित्सा प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन फिरोज भाई, विधानसभा सचिव अरविंद कुमार, मीडिया प्रभारी जयप्रकाश भारती, विधानसभा सचिव रामकरण खरवार, विधानसभा उपाध्यक्ष संदीप कुमार आनंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश अशोक विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष जिला कार्यकारिण सेवालाल गुरु राजभर, विजय सिंह, पंकज कुमार, शशि कांत कुमार, चंद्रमा, मनीष कुमार, सूरज कुमार, मुकेश, रविकांत, हिमांशु सिंह, नितेश कौशल, राजेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ सलाहकार पंकज कुमार, एडवोकेट सत्यदेव सिंह, जिला प्रभारी डीएन श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। गांव के लोगों से जनसंपर्क करना था। अब दूसरे चरण में हम लोग संगठन निर्माण के लिए आज सभी सेक्टर की 32 सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक थी, जिसमें हम लोग अब आगे गाँव में जा करके जो लोग समर्थक हैं, जो लोग पदाधिकारी कार्यकर्ता, उनको सभी लोगों को बूथ कमेटियां और निर्माण करने के लिए आज बैठक की गई। देखा जाए कि सैदपुर विधानसभा प्रत्याशी आपने राजेश कुमार जी को बनाया है, क्या मुद्दा रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए बाकी पार्टी? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का मुद्दा और मिशन वही है जो दिल्ली में हम लोगों ने सभी बुनियादी सुविधाओं को मुफ्त देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी तरह की दवाइयाँ, इलाज, ऑपरेशन, जो नौजवानों की मुफ्त कोचिंग हो या महिलाओं को मुफ्त यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा हो, ये सभी योजनाएं और यही सभी मुद्दे हैं जो हम लोग लेकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आए। यही मुद्दा सैदपुर विधानसभा में हमारे चुनावी मुद्दा रहेगा और इसी पर हम काम करेंगे जीतने के बाद। बाकी पार्टियों ने संकल्प पत्र जारी किया है और आपके संकल्प पत्र में क्या है? हमारे संकल्प पत्र में यही है कि हम लोग जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन सभी बुनियादी सुविधाओं को हमने संकल्प पत्र में डाला है। हमने किसानों की बात की है, हम किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा जो दिल्ली में दे रहे हैं फसल नुकसान पे, वो यहाँ भी किसानों को देंगे। यहाँ भी नौजवानों को वहाँ पे 5 साल में 10 लाख नौकरियाँ दी हैं, यहाँ पे भी हम नौकरियाँ देंगे। महिलाओं को 1,000 रुपये महीने देंगे, बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। तो ये तमाम बुनियादी जो जरूरतें हैं जनता की, यही हमारे संकल्प पत्र में है और हम इसके ऊपर निश्चित तौर पे काम करेंगे।